नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है और इसके बाद सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। दिवाली पर्व पर हर कोई अपने घर पहुंचना चाहता है। दिवाली के लिए टिकट बुकिंग बहुत बड़ी समस्या होती है और टिकट बुकिंग बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है और ज्यादातर शहरों की ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी है। ऐसे में अब रेलवे प्रशासन त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाकर या फिर ट्रेनों में कोच बढ़ाकर यात्रियों को घर पहुंचाने के प्रयासों में जुट गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। नवंबर की शुरुआत में दिवाली का त्योहार है, इसे लेकर एक तरफ जहां बाजारों में त्योहारों का माहौल दिखने लगा है, वहीं रेलवे इसकी तैयारियों में जुट गया है। ट्रेनों में बड़ी संख्या में अस्थायी कोच की बढ़ोतरी की जा रही है। 15 अक्टूबर तक जयपुर से लंबी दूरी के आधा दर्जन शहरों के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वहीं जयपुर से अजमेर, कोटा, जोधपुर, सीकर आदि छोटी दूरी की ट्रेन भी संचालित की जाएगी। इसे लेकर रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा चारों रेल मंडलों के DRM के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि करण ने बताया कि जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर मंडलों के अलग अलग रूटों पर संचालित हो रही 54 ट्रेनों में साधारण, स्लीपर और थर्ड AC श्रेणी के 74 कोच बढ़ाए गए हैं। ये कोच नवंबर के अंत तक के लिए ट्रेनों में जोड़े गए हैं, जिससे यात्रियों को नवरात्रि, दीपावली और छठ पूजा के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें मिल सके। कोच बढ़ोतरी से इन ट्रेनों में करीब 5,328 सीटें अतिरिक्त उपलब्ध हो सकेंगी, जो यात्रियों के वोटिंग टिकट को कन्फर्म और नए टिकटों को सीट उपलब्ध कराने में सहायक होंगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे दिवाली की भीड़ को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए कुछ ट्रेनों में साधारण टिकट से यात्रा किए जाने की अनुमति पर भी विचार कर रहा है। हालांकि ये सुधार त्योहार से 3-4 दिन पहले ही दी जाएगी, जो त्योहार होने के 2-3 दिन बाद तक लागू रहेगी। कानपुर लखनऊ जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग। इस ट्रेन में सेकेंड सिटिंग क्लास में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे। ट्रेन में नो रूम की स्थिति, टिकट बुकिंग हुई बंद। कोलकाता, भोपाल, नागपुर, उज्जैन, सूरत, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद की ट्रेनों में वेटिंग। इन ट्रेनों में स्लीपर और थर्ड एसी में 100 से भी अधिक वेटिंग चल रही। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस बार दिवाली और दशहरा, ये नवरात्रि के फेस्टिवल के देखते हुए 27 गाड़ियों में 37 डब्बे और अतिरिक्त बढ़ाए हैं, ताकि जो है ये रश जो है फेस्टिवल का जो रश है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जैसे जैसे और आवश्यकता होगी और गाड़ियों में भी डब्बे बढ़ाए जाएंगे। तो नवरात्र, दुर्गा पूजा, दिवाली, इन सब त्योहारों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 27 रेल यात्री गाड़ियों में 37 डब्बे बढ़ाए हैं और इसका उद्देश्य है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जो यात्री जाएंगे इन त्योहारों में, तो उनको दिक्कत ना हो। और इसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है, जैसे जैसे और यात्री भार बढ़ेगा या आवश्यकता महसूस होगी और गाड़ियों में भी डब्बे लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने छोटी दूरी के लिए कुछ अतिरिक्त ट्रेनें संचालित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे कि लंबी दूरी की ट्रेनों में कम दूरी के यात्रियों की ज्यादा भीड़ नहीं बढ़े। जयपुर से हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, वाराणसी, पटना सहित करीब 6 लंबे रूट पर ट्रेनें 15 अक्टूबर तक संचालित होने लगेंगी। ये ट्रेनें दिवाली से पहले और उसके बाद तक संचालित की जाएंगी। अधिकांश ट्रेनें सप्ताह में 1, 2 या 3 दिन संचालित की जाएंगी। ट्रेन जब एक फेरे से लौटकर दूसरे फेरे के लिए जाएगी तो उसमें 2 दिन का अंतराल होगा। ऐसे में खाली खड़े इन रेक को जयपुर से अजमेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, कोटा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, सीकर सहित अन्य छोटी दूरी के लिए संचालित किया जाएगा, ताकि इन छोटी दूरी के यात्रियों को भी त्योहार पर सुविधाजनक तरीके से अपने घर पहुंचाया जा सके। कुल मिलाकर दिवाली पर यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि देखना ये होगा कि रेलवे प्रशासन के ये प्रयास कितने सफल हो पाते हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।